सो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मैं ना बेसब्री से इंतजार था। इतनी वीडियो से ना हम आपसे भी सजेशन मांग रहे थे कि कौन सी गाड़ी ली जाए, कौन सी गाड़ी ली जाए। तो आज हम फाइनली गाड़ी देखने जा रहे हैं कि कौन सी गाड़ी ली जाए। आज हमने दो तीन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेनी है। अभी सबसे पहले हम कौन से शोरूम जा रहे हैं? टाटा पे। सबसे पहले हम जा रहे हैं टाटा मोटर। क्यों? एक तो भाई हिंदुस्तानी है ना, इंडियन है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स। इंडियन नहीं है टाटा, इंडियन नहीं है। टाटा इंडियन है। टाटा इंडियन है। जो भी प्रोडक्ट्स उसके आते हैं सारे चाइना से या बाहर से आते हैं? नहीं नहीं नहीं, है तो इंडियन ना, कंपनी इंडियन है बस। कंपनी तो इंडियन है, कोई बात नहीं। तुम माल तो सारा बाहर का है, ऐसे है। उसमें लिथियम बैटरी जो बाहर से आ रही है, बाकी सारी यही प्रोडक्ट। नहीं, टाटा अपनी बैटरी खुद बना रहा है भाई। आप भिड़न तो चुकी है, लेकिन फिर भी आप बता देना कमेंट में टाटा के बाहर से आते हैं। और इसमें कोई मतलब ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि टाटा का कोई अपना ओनर नहीं है। ठीक है भाई, हम टाटा पे जा रहे हैं। नो इंडियन, नो बाहर की, टाटा पे जा रहे हैं। पहली गाड़ी हमने देख ली है इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार क्यों देखनी है? क्योंकि जो पेट्रोल का प्राइस है वो ऐसे जाए जा रहा है। अभी और भी जाएगा, 150 जाएगा, 150 जाएगा। आप भी ले लो। सरकार भूखी है, उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास सिर्फ यही सोर्स है पैसा कमाने का, और कोई सोर्स नहीं है। धंधे है नहीं, काम धंधे है नहीं, जो GST मिले उसको, इतना पैसा टैक्स का मिले, लोगों के काम नहीं चले जो इनकम टैक्स मिले उसको। यहाँ पे पॉलिटिकल बातें शुरू हो गई। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं टाटा की नेक्सॉन देखने। नेक्सॉन है ना ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक, नेक्सॉन ईवी इलेक्ट्रिक है। क्योंकि ना पापा रोज पलवल अप डाउन करते हैं, तो वहाँ पे ना पापा का पेट्रोल ही इतना लग जाता है ना, तो पापा ने इससे बढ़िया मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बार चार्ज करी और कितनी चल जाती है वो वहाँ पे जाके उनसे पूछेंगे। 316 किलोमीटर, 316 किलोमीटर पापा ने यूट्यूब से देखा हुआ है, बाकी उनसे जाके पूछेंगे क्या क्या सिस्टम। 250 भी चलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो 50 किलोमीटर पड़ता था, मैं यहाँ से जाके वहाँ जाके फिर चार्ज लगा लूंगा। हाँ भाई, पता फायदा हो जाएगा इलेक्ट्रिक कार खरीदने से, हम भी पूरी रात गेड़ी मार पाएंगे, हमें पेट्रोल की टेंशन नहीं होगी। भाई एक ना फीलिंग होती है जब ना नई चीज खरीदने जा रहे हो ना, ओए होए होए होए। एक तो नई गाड़ी में बैठ के ना मजा ही अलग आता है। ये ऑटोमेटिक है ना? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल है भाई। अभी वो ईवी पता करने गए टाटा नेक्सॉन ईवी, अगर वो टेस्ट ड्राइव के लिए है या नहीं, क्योंकि डिस्प्ले में लगी नहीं। ये टेस्ट ड्राइव के लिए हुई तो अभी हम टेस्ट ड्राइव करने जाएंगे। पता कैसे लगेगा इसमें? ये सर आपके क्लस्टर पे भी सो जाएगा। ओके। और प्लस साउंड भी कर जाएगा, ड्राइव मोड एक्टिवेट, रिवर्स मोड एक्टिवेट। बस ऐसे ही गियर होंगे उसमें। अभी हम आ गए सफारी में, यहाँ पे बैठने का भी ना अलग मजा। एक बार इसका भी रेट पता कर ही लेते हैं कि अगर रेट बराबर हुआ भाई, मन डोलने में ना टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये खुली छोटी छोटी। हाँ, 6 सीटर है। हाँ, 6 सीटर है। खुली कितनी है? नहीं, जो लास्ट वाली है ना वो फोल्ड हो जाती है। तो 6 बंदे तो आप ऐसे करो, 4 बंदों वाली आप गाड़ी पहले देख रहे हो, आप 6 बंदों पे आ गए और उसमें भी आप सामान की सोच रहे हो। 2 साल में इसका ब्याह भी तो होना। नहीं भाई, मेरे ब्याह को बड़ा टाइम है। इसका पहले करा दो आप, इसके लिए आप बड़ी गाड़ी ले लो, लिमोजिन ले लो इसके लिए। दोनों के कराएंगे इकट्ठा। बस ब्याह वाली बात कहाँ से आ जाती है, गाड़ी देखने। गाड़ी अभी इनके पास थी नहीं इलेक्ट्रॉनिक वाली, जो उनसे हम देखने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि या तो शाम तक करा दूंगा या कल सुबह करा दूंगा। बाकी अभी हम अपनी ETOs की इवैल्यूएशन करा रहे हैं कि वो वाली लेंगे तो इसको बेच देंगे, डाउन पेमेंट में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। बाकी अभी एक चीज़ और देखने जानी है, वो भी देखने चलते हैं, उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड। अब हम जा रहे हैं XUV 700 देखने भाई। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम एक गाड़ी इलेक्ट्रिक ले लेंगे तो अगर हमने कहीं टूर पे जाना होगा उसको तो लेके जाने देते, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती। और कहीं पहाड़ों में शिंकुला पास जैसे में फंस गई तो हम वापसी आने जोगे कभी नहीं रहेंगे। तो क्यों हम दूसरी देखने जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम स्विफ्ट में भी कहीं नहीं जा सकते, स्विफ्ट इतनी हैवी है नहीं, तो स्विफ्ट का भी हम कोई जुगाड़ देखेंगे उसके। वो देखो पहले महिंद्रा का शोरूम का गगन देखेगा, तो उसकी जगह हम कोई बल्कि या भारी गाड़ी ले लेंगे, ताकि अगर हम ट्रिप या टूर कहीं पर भी लगाते हैं ना तो उसको लेके जा सके। महिंद्रा पे आते ही ना बाहर 2 थारे खड़ी हैं, ये ना निकलने के लिए मतलब डिलीवरी के लिए खड़ी है। और इन पे ऐसा दिल आ गया ना कि ओ हो अभी पैसा होता ना और अभी मिल जाती तो अभी ले जाते इसको। Baby, I can sit beside you.
अपने आप पीछे जा रही है ये, अपने आप नहीं जा रही, भूत नहीं है ऐसे भाई। XUV 700 में बैठ के ना एक फील ही अलग है। कैसे लग रहा है जहाज में बैठ गए कोई। नॉर्मल और वेलकम फीचर होता है, अपने आप पीछे जब आप गेट खोलोगे सीट पीछे जाएगी और गेट बंद तो आ गए। ओके ओके, क्या बात है यार, तो फीचर तो बहुत अच्छा है यार। पहला फीचर ही बड़ा अच्छा लगा है, बाकी तो बात की बात है। पापा कहेंगे घर जाते हैं इतना तो वोटी सत्कार नहीं करती जितना गाड़ी सत्कार कर रही है। गेट खोलती है सीट पीछे जा रही है, गेट बंद करती सीट आगे आ जाती है। जो मैं गाड़ी बंद करूंगी तो, क्योंकि ये जो है अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डोर हैंडल है जो कि टॉप मॉडल में आते हैं। गाड़ी अगर मैंने बंद की, गाड़ी बंद करते ही डोर भी अंदर हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अभी मैम गाड़ी बंद कर देंगे, अंदर हो गए, अंदर हो गए। देख रहे हो इज्जत सम्मान कितना है इस गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव करने इसकी भाई। अब जो पापा ना फील लेंगे, हम तो पीछे बैठ के फील लेंगे। ओह भाई, लेकिन पीछे स्पेस अच्छी खासी है, आराम से लाते चौड़ी करके बैठे, पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है। गाड़ी भी ऊंची, रेंज रोवर वाली फील नहीं आ रही, मस्त है भाई एकदम। भाई हमारी गाड़ी पूरी बिग बॉस बन चुकी है। मोड़ोगे तो कैमरा चल हो जाएंगे, रेयर व्यू दिखने लग जाएंगे। लेफ्ट मोड़ो तो लेफ्ट के चल जाएंगे, राइट मोड़ोगे तो लेफ्ट राइट के दिख जाएंगे। अलेक्सा ओपन द सनरूफ। अलेक्सा स्टार्ट द म्यूजिक। फीचर ही बहुत है भाई, स्पेशली काम वाली बाइक रखी हुई है इन्होंने एक अलेक्सा के नाम से, जो कहते हो कर देती है वो। अभी आप जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सामने की साइड पे कुछ नहीं है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो मैंने क्रूज कंट्रोल स्टार्ट करवाया था, क्रूज कंट्रोल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपकी लाइन दिख रही है कि एक्टिव क्रूज कंट्रोल के नाम से जानी जाती है। जैसे अभी सामने अगर कोई भी चीज़ आएगी उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करेंगे। मैम एक बार आप इसके वो गाने फुल पे कर सकते हैं, एक बार इसके स्पीकर चेक कर लें एक बार। बस बस कम कर दो, आवाज बड़ी सही है। सोनी के हैं सारे, सोनी के स्पीकर हैं। अच्छा 12 स्पीकर लगे हुए हैं इसमें। इस पे ध्यान दूं, आपका कहना है मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मेरी निगाहें ना इस पे जाने की जगह इसी पे रहे, क्योंकि मैं स्टीयरिंग पे मेरा ज्यादा फोकस है। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्रूज के साथ एक कॉपी का पेज बना हुआ है, इसे प्रेस करना है। प्रेस कीजिए, वो इस पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा, आपको नीचे वाले बटन से अप एंड डाउन करना है, जिसमें ये जो है ना, हाँ इसे अप कीजिए और कीजिए और कीजिए। हाँ नेविगेशन आ गया, बैक कीजिए, नेविगेशन पे टक कीजिए, इस पे मेन इसी पे हाँ इसी पे नेविगेशन वहाँ पे बन गया। आप जो भी जगह डालेंगे वो यहाँ तो शो करती ही रहेगी, साइड बाय साइड वहाँ भी करती रहेगी। भाई अब आए थे XUV तो देख लिया, जिससे प्यार है थार से, एक वो भी देख लिया। मैम कह रही है इनके पास खड़ी है एक थार जिसमें लाख रुपए की एक्सेसरीज पहले से लगी हुई है। कैसी लगी फिर XUV 700? गाड़ी तो जबरदस्त है, जबरदस्त है ना, फील पूरी है इसमें। पैसे भी तो जबरदस्त है, पैसे भी जबरदस्त है, ये भी बात है। बट कोई नहीं, हम इसमें इवेल्यूशन करा रहे हैं, देख रहे हैं क्या सिस्टम बैठता है। अभी एक स्टोर और आए हैं, MG के स्टोर आए हैं, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक तो हमने लेनी लेनी है, इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक हमने वो भी लेनी है दूसरी वाली ना, ताकि ईजी हो जाए दोनों चीज़ों में। अगर कहीं घूमने जाना है तो वो ले जाओ, अगर बाई टूर पर जाना है, अगर डेली अप डाउन करना है तो वो कर लो। MG की गाड़ी भी देख ली है, थोड़ी सी ना 10 लाख रुपए महंगी है। जो हमने सबसे पहले टाटा की देखी थी वो कुछ 12 लाख की थी, वो भी 15-17 का था, और ये कुछ 25-26 के आसपास है। तो इसका एक फायदा है कि ना इसकी एवरेज ज़्यादा है। जो टाटा वाली थी उसकी एवरेज थी 200 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे, और इसकी जो एवरेज है वो है 400 किलोमीटर, पूरी डबल एवरेज। बट जो प्राइस है वो भी डबल है फिर। 10 लाख टाटा की कितने की है? टाटा 17 की करीब। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिक थी वो हमने टेस्ट ड्राइव करके नहीं देखी, और जो XUV थी वो हमने टेस्ट ड्राइव कर लिया, तो उन दोनों को बोल दी कि टेस्ट ड्राइव करा देंगे वो। बाकी XUV तो एंड ही है, वो तो एंड है। अब EV भी देखते हैं वो कितनी, EV भी देखते हैं। पर भाई जो XUV ने दिल जीता ना, एंड लेवल बनाई है उसने। भाई ये देखो हम पहुंच तो गए हैं, ये है XUV 500। ये पहले ऐसे होती थी, अब XUV 700 में बैठ के ना ऐसी वाइब आ रही है, मतलब फुल लग्जरी वाइब्स।
रेंज रोवर वाइब्स भाई, मेरे को पीछे बैठ के इतना मजा आ गया था ना, इतनी खुली डुल्ली और लग्जरी, फुल लग्जरी है वो। अभी हम घर जाके डिस्कस करेंगे कि क्या सीन है भाई, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पंजाबी फैमिली में ना खड़े पैर कुछ नहीं होता, हो जाता है कभी कभार वो रात को चिकन खा के अगर आप गए हो तो, पर अभी दोपहर का टाइम था तो हमने चिकन नहीं खाया। अभी हम घर जाएंगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिस्टम बैठता है, फिर देखेंगे कौन सी लेनी चाहिए। बाकी जो रही गाड़ी की बात, वो भी हम सारे रात को इकट्ठे बैठेंगे, डिनर डुनर करेंगे क्योंकि अभी सारे बिजी हैं, फिर गाड़ी की बात करिएगी कौन सी लेनी है, क्योंकि अभी दो की टेस्ट ड्राइव नहीं है। जब वो दो की टेस्ट ड्राइव हो जाएगी ना, फिर हम क्लियर हो जाएंगे कि हाँ विच वन टू बाय।